मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले फल ग्रेविओला को हनुमान फल या लक्ष्मण फल के नाम से भी जाना जाता है। इस फल का स्वाद स्ट्रॉबेरी और अनानास का संयोजन लगता है, यानी इसे खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम इन दोनों फलों को एक साथ खा रहे हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इस फल में काफ़ी मात्रा में विटामिन और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके फलों का इस्तेमाल फूड कन्फेक्शनरी के तौर पर किया जाता है, जबकि पत्ते, छाल, जड़े, फली और बीजों का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक काढ़ा बनाने में किया जाता है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। किसी भी बीमारी से बचे रहने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यह काम हनुमान फल बखूबी करता है। इसीलिए आप अपने आहार में थोड़ा सा हनुमान फल जरूर शामिल करें, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहे। अल्सर में फायदेमंद। इस फल में अल्सर रोधी गुण होते हैं, इससे पेट के अल्सरेटिव घावों या गैस्ट्रिक अल्सर को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह लीवर को नुकसान से भी बचाता है। गठिया के दर्द के इलाज में मददगार। अगर आप गठिया के दर्द से परेशान हैं, तो प्रभावित जगह पर हनुमान फल के काढ़े से मालिश करें, इससे काफी राहत मिल सकती है। दरअसल इस फल में पाए जाने वाले सूजन रोधी गुण दर्द को शांत करते हैं और जोड़ों के लचीलेपन में भी सुधार करते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करें। हनुमान फल में एंटी डायबिटिक और हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटीज होती है। एक स्टडी के मुताबिक 2 सप्ताह तक रोजाना इस फल को खाने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचा सकते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य कारण होता है। दर्द को कम करें। हनुमान फल को पारंपरिक रूप से उसमें पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी नॉसिसेप्टिक गुणों के कारण पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर में दर्द के लिए जिम्मेदार इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को कम करने में मदद करता है। कैंसर को रोकने वाले गुणों से भरपूर। हनुमान फल को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी फायदेमंद माना जाता है। दरअसल इसमें एसिटोजिनिन, क्विनानोन और एक्लॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो सीधे कैंसर की रोकथाम और ट्यूमर के आकार को कम करने के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की और हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।